नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ ये स्पेशल रिपोर्ट बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया को लेकर। बॉलीवुड में नहीं लेकिन हॉलीवुड में टैनेट फिल्म में नजर आई थी डिंपल कपाड़िया और टैनेट उन फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया, डिंपल की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया। वेल 60+ होने के बाद डिंपल को बॉलीवुड में सफ़र के बाद हॉलीवुड की सफ़र शुरू करने का मौका मिला, इसे लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड थी। ट्विंकल ने खुद को प्राउड डॉटर कहा, अक्षय ने भी इसकी खुशी जाहिर की। मदर इन लॉ डिंपल के साथ अक्षय की बॉन्ड कितनी शानदार है आप जानते ही हैं। इसके अलावा डिंपल की बॉलीवुड सफ़र भी लगातार जारी है। सैफ के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर पिछले कुछ महीने पहले चर्चा में रही डिंपल बहुत जल्द आप सभी को एक बफर बॉलीवुड टाउन की नई कहानी के बीच नजर आएंगी। सिल्वर स्क्रीन पर जादू चलाते नजर आएंगी जिसकी लगातार तैयारियां डिंपल कपाड़िया कर रही है। दरअसल हाल ही में डिंपल कपाड़िया को राजस्थान में स्पॉट किया गया। पुष्कर में वो पूजा सेरेमनी अटेंड कर रही थी जहां की कुछ तस्वीरें वायरल हुई है। तस्वीरों में डिंपल एक आम लेडी की तरह बैठी हुई नॉर्मल महिलाओं की तरह एकदम सिंपल अवतार में सिंपल और सादगी भरे रूप में नजर आए। वैसे तो डिंपल इस एज में भी वेस्टर्न अटायर ज़्यादा कैरी रहती हैं लेकिन इंडियन कल्चर को फॉलो करती हुई राजस्थान के पूजा समारोह में जिस तरह डिंपल को देखा गया उनकी सादगी को बहुत पसंद किया गया। एक बार के लिए तो डिंपल को पहचानना मुश्किल था क्योंकि मास्क पहनी हुई डिंपल कपाड़िया को देख लोगों के जहन में सवाल हुआ, क्या वाकई में ये डिंपल ही हैं जिन्होंने स्क्रीन पर जबरदस्त जादू चलाया। 80 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, नाना पाटेकर से लेकर सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी जमकर जमी। खैर डिंपल कपाड़िया इस वक्त राजस्थान में जिस तरह वक्त गुजार रही हैं वो तो काफ़ी चर्चा में है। देखते हैं मुंबई लौटकर डिंपल कपाड़िया कितनी खुशखबरी देती हैं जिसकी तैयारियां राजस्थान जाकर उन्होंने की। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।